नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के चेयरमैन ने किया नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण। भारी वर्षा के चलते निरीक्षण के लिए पहुंचा अधिकारियों का काफिला सिरलाय पंपिंग हाउस। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के तहत मालवा क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचाने का कार्य NVDA विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए बड़वा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरलाय में एक पंपिंग हाउस का निर्माण किया गया, जहां से पंप के माध्यम से मालवा क्षेत्र के कई शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नर्मदा का पानी सप्लाई किया जा रहा है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा स्थित पंपिंग हाउस पर रविवार दोपहर करीब 1 बजे बॉम्बे से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के चेयरमैन JR चिटाला और अन्य अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने पंपिंग हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और प्रोजेक्ट कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान चेयरमैन चिंटाला ने बताया कि हमारी बैंक द्वारा नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के पंपिंग हाउस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का लोन दिया था। फिलहाल यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि इस पंपिंग हाउस में मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उज्जैन, देपालपुर, हातोद, बड़नगर सहित अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा चुका है। इस पंपिंग हाउस से करीब 1500 क्यू मैक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इस मौके पर आसपास के कुछ किसानों ने श्री चिटाला से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे कई खेतों तक इस नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण सीजन की हर फसल में हमें अच्छी पैदावार मिल रही है, लेकिन आज भी कई ऐसे खेत हैं जहां नहरों की दूरी अधिक होने से उन खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि यदि इस नहर से कुछ पाइपलाइन अन्य खेतों तक डाल दी जाए तो आसपास के अन्य किसानों को भी खेती करने में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि किसानों की इस समस्या पर श्री चिटाला ने कहा कि यह व्यवस्था करना हमारा काम नहीं है, आप इस सुविधा के लिए संबंधित विभाग से चर्चा करें। नर्मदा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट का 2 फेजेस में हम RIDF के अंदर 2.75% का ब्याज पे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था और वो रिकॉर्ड टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और इसका वजह से ये पानी इधर से लेके 400 मीटर तक उसका लिंक होकर जा रहा है वो मालवा रीजन में, उज्जैन में और इंदौर का डिस्ट्रिक्ट में, और उनका वजह से बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। अभी मैं किसानों से भी बात कर रहा था, वो बोलते थे जिधर तक पानी आ गया उसका बहुत फ़ायदा हो गया, उसका इनकम भी डबल हो गया, दुगना हो गया, और प्याज भी अच्छा हो गया, गेहूँ भी अच्छा हो गया, अन्य क्रॉप्स भी अच्छा हो रहा है। और दूसरा चीज़ अभी ये फार्मर्स जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ 40-50% लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, रिमेनिंग लोग का थोड़ा पानी ना उनका खेती तक नहीं आ रहा है। तो हमने ये लोगों से बोला है दैट आपने आपका ये प्रोजेक्ट का रूप में पूरे द डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से नाबार्ड के पास भेज दीजिए, उनका भी जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो हम कर देंगे। किसानों का समस्या नहीं, किसानों का समस्या है ये प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है, इतना अच्छा रूप से उसका एक फ़ायदा हो रहा है सबका, लेकिन कुछ किसानों ने इसमें इससे छूट गया क्योंकि इसका खेती दूर पड़ गया या मेरे छोटे किसान थे उसका खेती तक के पाइपलाइन आया नहीं, इसका वजह से थोड़ा एक माइनर पाइपलाइन भी डाल के वो काम थोड़ा करने का वो सोच रहा था। डिजियाना न्यूज़ निवार रिपोर्ट बढ़वा।